हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघनावीस। आज मैं स्टैंडर्ड 7 को लेसन नंबर 4 शब्द संपदा यह सिखाने वाली हूँ। इस लेसन के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुबे। वह बताते हैं कि भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सकता है। भाषा के कारण ही शब्दों का संयोजन होता है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है, यानी भाषा में क्या है, शब्दों का महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ता है, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी भाषा संपदा बढ़ती है, यानी शब्द जो होते हैं वही मानव और मानव को जोड़ते हैं। एक दूसरे का जोड़ने का काम शब्द जो है वो करते हैं, ऐसे डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुबे इनका मानना है। अभी देखते हैं लेसन। आदिम अवस्था में आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? आदिम यानी आदिकाल में मनुष्य का विकास किसमें था, यह आप लोगों को पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकास इस पूरी प्रगति का संस्कृति के मूल है। मस्तिष्क यानी हमारा जो दिमाग होता है वो इस संस्कृति का मूल है, यानी वो मूल यानी महत्वपूर्ण जो स्थान है वो किसे दिया है, मस्तिष्क को। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ है। यस, शब्द जो होते हैं, भाषा जो होते हैं, वही प्रगति की जोड़ होती है। अगर हमें शब्द का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो हम एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं। एक दूसरे को हम अपने मन का भाव नहीं बता सकते हैं। भाषा ही एक बहुत महत्व है शब्द मनुष्य का ज्ञान से जोड़ने के लिए। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। दुनिया जो है, पूरी दुनिया की जो ज्ञान शाखा का विकास हुआ है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, भाषा। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध योजना, यानी भाषा ही एक है जो एक दूसरे को जोड़ी रखी है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत ही और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। शब्द जो होते हैं, अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो शब्द ही होते हैं। इन शब्दों से हम क्या है, जोड़े जाते हैं। शब्द ही मनुष्य का ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। यानी जो हमारी बोलने की जो एक टैक्ट होती है, जो पद्धत होती है, वही जो शब्द होते हैं वो मनुष्य से मनुष्य को जोड़ते हैं और वही शब्द होते हैं जो मनुष्य से मनुष्य को तोड़ते हैं। यानी हमारी बोलने की पद्धत जो होती है, टैक्ट जो होती है, अगर हम रूडली बोलते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और हमारे शब्द में अगर प्यार होता है तो जो टूटे हुए जो रहते हैं रिश्ते, वो भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये जो है, ये सब किससे होता है बच्चों, शब्दों से। शब्द ही जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और शब्द ही है जो एक दूसरे से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। अक्षर क्या है, निर्जीव है, वो क्या है, ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। लेकिन उनमें इतनी ताकत है कि वो एक दूसरे से जोड़ते हैं। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग और को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द उच्चारण मात्र से सामने वाले व्यक्ति व्यथित हो जाते हैं। यानी
कुछ लोगों का जो स्वभाव होता है उससे किसी को बहुत आनंद मिलता है और किसी को दुख मिलता है, और ये कारण होता है सबसे इम्पोर्टेंट शब्दों का। शब्द ही जो है जो हमें हंसाते भी है और शब्द भी जो है जो हमें रुलाते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगते हैं। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। कुछ लोगों को देखने के बाद क्या हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है, जैसे कि उनके चेहरे की जो प्रसन्नता देखते हैं, उनके चेहरे की जो हंसी देखते हैं, खुशी देखते हैं, तो हमारा मन भी क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। वैसे ही कुछ शब्द रहते हैं, उन शब्दों को हम जब सुनते हैं यानी तारीफ के रहते हैं, तो हमारा मन भी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उन्हें बार बार सुनने की गुनगुनाने की इच्छा होती है। आपको कौन सा तो भी ऐसे गाना वगैरह जो आता है, जैसे सॉन्ग हम सुनते हैं, तो कुछ सॉन्ग इतने अच्छे इतना सुंदर लगते हैं कि वो क्या करते हैं, हम बार बार सुनते हैं, हम उनको हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो शब्द रहते हैं वो हमारे मन को क्या करते थे, छू लेते हैं। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन सात्विक सभ्य और संस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बनाते देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य है भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। शब्दों की जो भाषा है वो इस तरह से है कि उन शब्दों में ताकत भी है, रूठना भी है, मनाना भी है। कुछ शब्द नकारार्थी आ जाते हैं तो कुछ शब्दों में उत्स्फूर्तता रहती है।